नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। कल आपने देखा कोर्ट का कच्चा ट्रायल लेने से पहले उसे कैसे कच्चा किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कोर्ट का ट्रायल कैसे लिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। कल हमने इस टैक्सीडो को कच्चा ट्रायल किया था। कच्चा ट्रायल जब भी हम करते हैं तो बिना स्लीव्स के हमें करना है। जो फर्स्ट ट्रायल होगा वो बिना स्लीव्स के होगा। तो अभी हम देखते हैं इसकी फिटिंग कैसी आती है। कोर्ट का जब हम पहला ट्रायल लेते हैं तो वो बिना आस्तीन का ही हमें लेना चाहिए, तभी हम ठीक से अल्ट्रेशन निकाल पाएंगे। कोर्ट की फिटिंग कंधी पर ही डिपेंड होती है पूरी। लंबाई और लूजिंग में अल्ट्रेशन आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खास बात नहीं होती। लंबाई हम बढ़ा सकते हैं, लूजिंग हम लूज टाइट कर सकते हैं, लेकिन अगर कंधी से प्रॉब्लम आ जाती है तो वो फिर आस्तीन चढ़ाने के बाद निकालने में मुश्किल होती है। जैसे इनकी लंबाई है, ये बिल्कुल एक्यूरेट आई है, और जो लूजिंग है वो थोड़ा सा लूज़ है। हम इसको टाइट नहीं करेंगे क्योंकि सर्दियों में अगर हम इसके नीचे एक स्वेटर या कुछ इनर अगर पहन लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फिट हो जाएगा। पीछे से भी इसकी लंबाई ठीक है और कोई टीक नहीं आ रही है इसमें। चाक भी इनका बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, फट नहीं रहा है बिल्कुल भी। और दूसरी चीज, कभी भी हमें कोट पीछे की तरफ नहीं भागना चाहिए, जैसे अपनी जगह पर है यही रहना चाहिए। अभी हमें इसमें शोल्डर पैड लगाने हैं जो हमने नहीं लगाए हैं। शोल्डर पैड लगाकर ही हमें ट्रायल करना है। इस तरह से हम शोल्डर पैड लगा लेंगे और उसके बाद हम इसे चेक करेंगे कि कहीं पीछे से कोई ज्यादा इस साइड में तो कोई झोल तो नहीं आ रहा है। इसमें ऐसे कोई झोल नहीं आ रहा है किसी भी तरह का। ये जो आपको लूजिंग दिख रही है ये हमारा मार्जिन है। इसके बाद में जब यहां से मुड्ढा चढ़ेगा तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। एक चीज का और हमें चेक करना होता है, जब हम कोट को इस तरीके से छोड़ देंगे बिल्कुल अपनी जगह पर तो ये पीछे नहीं भागना चाहिए, ये अपनी जगह पर रहना चाहिए। नपेल मिली हुई रहनी चाहिए। ये कंधी पर से बिल्कुल ठीक है, इसमें ऐसी कोई अल्ट्रेशन, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इस जगह ये जा रहा है, जब आस्तीन चढ़ेगी ये इसका मार्क है, इस जगह पर ये आएगा तो बिल्कुल फिटिंग में बिल्कुल ठीक आ जाएगा। ये इस तरीके से आप इसमें शोल्डर लगा देंगे और उसके बाद यहाँ बिल्कुल लूजिंग नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। जैसे कि
यहाँ पर झोल आ जाए किसी भी तरीके का, इस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल अगर आता है, इस तरह का झोल आता है, तो हम उसको कंधे से दबा देते हैं। ये इनका साइड चेक है, जो बिल्कुल भी अपनी जगह पर है, जो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। एक थोड़ा सा यहाँ पर ये है, इसको आस्तीन चढ़ाते वक्त हम इसको देख लेंगे। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। जो हमने बगल में जो डट डाली थी, उसी की वजह से ये शेप इस तरीके से आ पाती है। अगर हम बगल की डट को गहरी नहीं करेंगे तो ये शेप नहीं आएगी, कोट सीधा सीधा हो जाएगा। बिल्कुल ये जो शेप आती है, ये उसी वजह से आती है। अभी आपने देखा कोट का कच्चा ट्रायल कैसे लिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूँ, जहाँ मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट शर्ट, कोट जैकेट, टक्सीडो, ब्रीचेस, शेरवानी, कुर्ता पजामा, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।